होंडा की CBR। KTM में सबसे अल्टीमेट चीज़ तो यही है, ये 43 लाख की बाइक है। फाइनली मैं पहुंच गया हूं बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट में, जहां पर भारत मोटो जीपी हो रहा है। अभी मैं हूं मोटो जीपी भारत पर और अभी मैं खड़ा हूं KTM के पवेलियन पर। आइए इसको एक्सप्लोर करते हैं। सबसे पहले मुझे दिखी है ड्यूक 250 जो कि नई वाली है। इसका दूसरा कलर यहाँ पर ये खड़ा हुआ है, यहाँ पर ये खड़ी हुई है 390 एडवेंचर एक्स, यहाँ पर ये नई वाली खड़ी हुई है ड्यूक 390 नई वाली। ये है RC16, 2.5 करोड़ रुपए इसकी कीमत है। अभी मैं हूँ ओला के पवेलियन पर। ओला जो है अपने नए कॉन्सेप्ट बाइक्स लेकर आ रही है जो कि इलेक्ट्रिक बाइक्स रहने वाली हैं। आइए मैं एक एक करके दिखाता हूँ। ओला की ये वाली बाइक देखो, मुझे नहीं लगता पूरे वर्ल्ड में ऐसी बाइक होंगी जो कि ओला ने निकाली हैं। ये देखो, ये रही रोडस्टर, ये इनकी स्पोर्ट बाइक है कोई, यहाँ पर नाम तो लिखा है लेकिन मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ। एक वो रही, बहुत अल्टीमेट लग रही है, बहुत ही ज़्यादा अल्टीमेट लग रही है। और वो वाली थोड़ा एडवेंचर टाइप, हाँ एडवेंचर ही है वो, देखो बहुत ही अल्टीमेट बाइक है। ये है अप्रिला की तरफ से न्यूली लॉन्च RS457। अभी मैं हूँ डुकाटी के पवेलियन पर, आइए इसको एक्सप्लोर करते हैं। ये देखो, यहाँ पर मुझे दिखी है स्क्रैम्बलर डुकाटी इनकी फीचर्स, यहाँ पर ये लगे हुए हैं। ये देखो, यहाँ पर ये डुकाटी एक और खड़ी हुई है मॉन्स्टर SP। ये देखो, यहाँ पर इनकी खड़ी हुई है डेवल V4, काफ़ी ज़बरदस्त ये गाड़ी है, 26 लाख की ये बाइक है। यहाँ पर ये खड़ी हुई है V4 SP, ये 35 लाख की बाइक है। यहाँ पर इनकी ये खड़ी हुई है V4 SP2, ये 43 लाख की बाइक है, काफ़ी ज़बरदस्त मुझे ये बाइक जो है लग रही है। यहाँ पर इनकी खड़ी हुई है डेजर्ट एक्स, ये 18 लाख की बाइक है, बहुत ही ज़बरदस्त लग रही है। फ्यूल टैंक कैपेसिटी ये देखो काफ़ी ज़्यादा है इसकी। यहाँ पर ये खड़ी हुई है V4S। अभी मैं हूँ होंडा के पवेलियन पर, आइए इसको एक्सप्लोर करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर खड़ी हुई है CB350, ये देखो हाइनेस। यहाँ पर खड़ी हुई है CB300F जो कि नई वाली है, E20 वाली है। वहाँ पर खड़ी हुई है CB300R, ये देखो। यहाँ पर ये खड़ी हुई है होंडा की CBR, काफ़ी अल्टीमेट ये बाइक है। यहाँ पर ये खड़ी हुई है इनकी हॉर्नेट, यहाँ पर डियो 125। ये है होंडा की CBR, आइए इस पर बैठता हूँ मैं। तो भाई अल्टीमेट फीलिंग आ रही है इस पर बैठकर, तो काफ़ी ज़बरदस्त। हम तो भैया से चलाने वाले हैं, क्या बात है, अल्टीमेट पूरी रेसिंग वाली फील आ रही है भाई। चलो भाई, काफ़ी गजब ये बाइक है। अभी मैं हूँ यामाहा के पवेलियन पर, आइए इसको एक्सप्लोर करते हैं। यहाँ पर ये खड़ी हुई है MT07, इसका क्विक बैकग्राउंड कर लेते हैं। ये देखो, फ्रंट प्रोफाइल कुछ इस तरीके की है। ये देखो, यहाँ पर ये खड़ी हुई है R7, यामाहा की R7 गोइंग लाइक। यहाँ पर ये खड़ी हुई है R15M मॉन्स्टर एनर्जी एडिशन। यहाँ पर ये MT15 खड़ी हुई है मॉन्स्टर एनर्जी में। यहाँ पर ये खड़ी हुई है मॉन्स्टर एनर्जी में एरोक्स। यहाँ पर ये R3 खड़ी हुई है, R15 V4 खड़ी हुई है, MT03 खड़ी है, इधर MT15 खड़ी है।